डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक जिनकी आंखों के सामने उनके बनाए इन्वेंशन के लिए किसी और शख्स को नोबेल प्राइज दे दिया गया और वो बस देखते ही रह गए। ये वो शख्स थे जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की इन्वेंशन करके हमारे लिए इंटरनेट, टेलीविजन और टेलीफोन जैसी सुविधाओं की नींव रखी। पर फिर भी अगर आज हम गूगल पर सर्च करते हैं हु इज द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स तो सबसे ऊपर डॉक्टर कपानी का नहीं बल्कि चार्ल्स क्वेन काओ का नाम आता है, यानी एक ऐसे इंसान का जो फाइबर ऑप्टिक्स की रेस में उतरा ही काफी लेट था। उसके विपरीत डॉक्टर कपानी ने तो फाइबर ऑप्टिक्स की शुरुआत अपने स्कूल से ही कर दी थी। दरअसल डॉक्टर कपानी जब छोटे थे तब एक दिन स्कूल में साइंस के लेक्चर में उनके टीचर ने ये पढ़ाया कि लाइट हमेशा सीधा ट्रैवल करती है। अब इस पर डॉक्टर कपानी ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया कि सर ऐसा क्यों, और पता है टीचर ने उनके साथ क्या किया? वेल, एक छोटे से बच्चे के जेन्युइन सवाल का सीधा सीधा जवाब देने के बजाय उन्होंने बड़े एरोगेंटली नरेंद्र को सभी स्टूडेंट्स के सामने पहले तो जलील किया और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक काम कर, आगे तू उसे बेंड करके दिखा दियो, अभी जा बैठ जा। अब टीचर के ऐसे बर्ताव से डॉक्टर कपानी उस वक्त बैठ तो गए क्योंकि आखिर करते भी तो क्या, पर उस दिन उन्होंने ये ठान लिया कि बस इस इंसान ने सबके सामने मुझे जलील किया है, अब तो मैं लाइट को बेंड करके दिखाऊंगा। और फिर क्या था, इसी पल से शुरुआत हुई फाइबर ऑप्टिक के पहले अध्याय की। अपने इस पहले अध्याय में अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए पहले तो उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी में बीएससी की डिग्री ली और उसके बाद फिर कुछ सालों के लिए देहरादून में स्थित इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज IOFS में जॉब पर लग गए। और ये बाय द वे बात हो रही है भारत की इंडिपेंडेंस के जस्ट कुछ साल पहले की, जब उनका मानना था कि ये IOFS इंडियन मिलिट्री के लिए बायनोकुलर्स वगैरह जैसी कई अनगिनत ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है। सो यहां पर अगर कुछ समय काम कर लिया तो लाइट से संबंधित एक अलग ही पर्सपेक्टिव भी मिल जाएगा, प्लस मैं अपने अल्टीमेट गोल की दिशा में अपने अगले कदम के नजदीक भी पहुंच जाऊंगा, वो कदम जिसमें उन्हें हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड जाना था। लेकिन यही करते वक्त उन्होंने एक इम्पोर्टेंट चीज को ऑब्जर्व किया। देखो, उनका मानना यह था कि भारत अभी आजाद हो रहा है और ऐसे में हमें अपने देश के लिए अपनी खुद की एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री चाहिए होगी, पर एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग कैसे होगी अगर वो आपस में तेजी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए तो। सो देखता हूँ कि क्या उसे मैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं, इससे मैं मिलिट्री के भी काम आ जाऊंगा और मेरा जो ओरिजिनल गोल था लाइट के बेंडिंग नेचर को प्रूव करने का वो भी पूरा हो जाएगा। और इसी दौरान उन्होंने ये देखा था कि उस वक्त सिर्फ इंग्लैंड ही वो देश था जहां पर इंडियन मिलिट्री को टॉप नॉच बनाने के लिए लगने वाली एटलीस्ट दो सुविधाएं मौजूद थी। पहली, हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज जिससे कि आइडियाज को रियलिटी में उतारा जा सके, और दूसरा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े औजार जिससे लाइट से कम्युनिकेशन के अपने रफ आइडिया का कुछ सरपाव निकल सके। अब आई नो आप लोग सोचोगे कि आखिर इंग्लैंड ही क्यों, क्योंकि उससे बेहतर टेक्नोलॉजी तो 40s के दशक में US के पास थी। वेल, ये बस इंग्लैंड के विरुद्ध हमारा प्रेजुडिस बोल रहा है। असल में हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स और कम्युनिकेशन टेक्निक्स इंग्लैंड ने 8th सेंचुरी में ही इन्वेंट कर लिया था, और 8th सेंचुरी में जब वाइकिंग्स इंग्लैंड पर अटैक किया करते थे तब वाइकिंग्स के आने का मैसेज समुद्री तट से कैपिटल तक पहुंचाने के लिए इंग्लैंड का राज्य एक सिंगल मैसेंजर के बजाय मैसेजेस को मल्टीपल मैसेंजर्स के हाथों रिले किया करता था। इससे मैसेजेस बहुत ही जल्द कैपिटल तक पहुंचते थे और धीरे धीरे सारी कंट्रीज ने इस टेक्निक को अडॉप्ट कर लिया क्योंकि ये इतना इफेक्टिव था। फिर 17th सेंचुरी में फ्रांस आया, उसने एक नई टेक्निक इन्वेंट की बाय द नेम ऑफ सेमाफोर टेक्निक, जिसमें एक टावर पर चढ़कर एक बंदा फ्लैग या मशाल को पकड़कर कुछ इस तरह के सिंबल्स बनाता था और फिर वो सिंबल्स अलग अलग अल्फाबेट्स और मैसेजेस को रिप्रेजेंट करते थे। यानी अब इससे घंटों की जगह पर मिनटों में मैसेज लंबी दूरी तय करने लग गया। लेकिन इस टेक्निक में एक ड्रॉबैक था, इन मैसेजेस को दुश्मन भी देख सकते थे और इसीलिए इसके सोल्यूशन के लिए एक एनक्रिप्टेड मैसेजिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। और फिर क्या था, 19th सेंचुरी में इंग्लैंड ने कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ बना लिया और उसके बाद कुछ ही सालों में टेलीफोन भी, जिसमें प्रेसिजन और सीक्रेसी दोनों इंटैक्ट रह पाए। पर आखिर कब तक? सो जर्मनी के अनुसार एनिग्मा मैसेजेस को ऐसे एनक्रिप्ट या लॉक किया करता था कि उसे अनलॉक करने के लिए की या सिंपली परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेटिंग्स अगर इंडिया जैसे देश की पूरी पॉपुलेशन मिलकर भी डिकोड करने बैठे ना तो भी उसमें करीब 1000 साल लग जाएंगे, इतना पावरफुल था ये। इसका मतलब समझ रहे हो, ये मशीन जिसके हाथ में, वॉर उसके मुट्ठी में। एंड दिस वॉज ट्रू एटलीस्ट तब तक जब तक किसी के हाथ में बॉम्बे ना हो।
क्योंकि बॉम्बे दुनिया का वो पहला आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कंप्यूटर था जिसे एनिग्मा के टक्कर में एक इंग्लैंड के इन्वेंटर ने उतारा था। ये कंप्यूटर बेसिकली इतना पावरफुल था कि एनिग्मा के कोडेड मैसेजेस को महज 20 मिनट में डिकोड कर लेता था। सो अब आप समझ जाओ डॉक्टर कपानी ने इंग्लैंड को ही क्यों चुना, क्योंकि सारे नेक्स्ट लेवल इन्वेंशंस इंग्लैंड में ही हो रहे थे। वो सीधा कम्युनिकेशन टेक के मास्टर्स से ही अपनी मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते थे, और इसीलिए भारत के आजाद होते ही 1947 में डॉक्टर कपानी इंग्लैंड चले गए। वहां के प्रेस्टिजियस कॉलेज इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में अपने गोल के तरफ आखिरी कदम बढ़ा के लिए, बिकॉज ये वही कॉलेज था जहां पर डॉक्टर कपानी के साथ दो चीजें घटी। एक तो उन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स बनाने का यहां पर एक मौका पाया, और दूसरा यहीं पर उन्होंने अपने ही कॉलीग से दुर्भाग्यवश धोखा खाया। दरअसल इंग्लैंड में डॉक्टर कपानी की मुलाकात ब्रिटिश साइंटिस्ट / इन्वेंटर हैरोल्ड हॉपकिन से हुई थी, जो उन दिनों अपनी थियरी ऑफ एबरेशन के लिए मशहूर थे। अब जिन्हें नहीं पता ये एबरेशन क्या होता है, तो बस इतना समझ लो कि एबरेशन मतलब वो फिनोमेनन जिसमें लेंसेज और मिरर की मदद से बनी इमेज क्लियर और शार्प बनने के बजाय कुछ ऐसी डिस्टॉर्टेड सी बनती है। नाउ ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि डॉक्टर कपानी ने देखा कि इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए इंग्लैंड में जो रॉड लेंस से बना एंडोस्कोप यूज हुआ करता था, वो भी सेम इसी वजह से लो इमेज क्वालिटी देता था, और प्लस फ्लेक्सिबल ना होने की वजह से बिना मशक्कत किए बॉडी के अंदर भी नहीं घुसता था। सो एंडोस्कोप की इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर कपानी को एक रेवोल्यूशनरी आइडिया आया, और उन्होंने हैरोल्ड हॉपकिंस की थियरी ऑफ एबरेशन को एंडोस्कोप के साथ मर्ज करके आज के प्रेजेंट डे ऑप्टिक फाइबर्स बना दिए। अब जरा इसे डिटेल में पर आसान भाषा में समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। जरा इस इमेज को देखो, यहां पर इंसिडेंट लाइट टॉर्टोइस से टकराकर वापस पानी में लौट रही है, जिससे पानी की ऊपरी सतह मिरर की तरह बिहेव कर रही है। इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिस पर बारीक ट्रांसपेरेंट ट्यूब से बने ऑप्टिकल फाइबर्स बेस्ड होते हैं। इसमें बेसिकली होता यह है कि लाइट अगर एक सर्टेन एंगल से किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस को हिट करती है, तो वो कुछ इस तरह अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती है और दूर तक ट्रैवल करती है। सिंपल राइट? वेल नॉट एग्जैक्टली। एक प्रॉब्लम है यहां पर। TIR के लिए इंसिडेंट लाइट रे का एंगल एक क्रिटिकल एंगल से ज्यादा चाहिए होता है, बिकॉज क्रिटिकल एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का वो एंगल होता है जिसके लिए रिफ्रैक्टेड लाइट 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है। अगर ऐसा नहीं किया तो रिफ्रैक्शन की वजह से हर टकराव पे कुछ लाइट ऑप्टिकल फाइबर के बाहर लीक हो जाएगी, और लाइट में एनकोडेड इंफॉर्मेशन दूसरे एंड तक पहुंचेगी ही नहीं। प्लस अगर एक ही लाइट रे में इतनी प्रॉब्लम है तो मल्टीपल रेज कैसे भेजेंगे? और बस यहीं पर डॉक्टर कपानी ने एंट्री मारी। देखो आपके 12 मेगापिक्सल के कैमरे में 12 मिलियन टाइनी RGB सेंसर्स पूरे सीनरी के कलर डिटेल्स को कैप्चर करते हैं। अब ऐसे में सपोज अगर आपके कैमरा के सारे RGB सेंसर्स एक सिंगल बड़े RGB सेंसर में कंबाइंड होते तो आपको ये इमेज कुछ ऐसी दिखाई देती, पर बिकॉज आपके कैमरा में RGB सेंसर्स इतने ज्यादा होते हैं, वो इमेज पहले ऐसी और फिर ऐसी नजर आती है। यानी सिंपली पुट, ज्यादा सेंसर्स मतलब हायर रेजोल्यूशन। और बस फिर क्या था, डॉक्टर कपानी ने यही लॉजिक ऑप्टिक फाइबर्स में भी अपनाया। उन्होंने एक थिक केबल के बजाय ढेर सारे बालों जितने पतले ग्लास फाइबर्स लिए और उनका एक बंडल बनाया, जिससे उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ हायर रेजोल्यूशन भी मिला। फर्क बस इतना था कि अब जैसे ही ऑप्टिकल फाइबर्स का रेजोल्यूशन बढ़ा, डॉक्टर कपानी और हॉपकिंस के बीच होड़ भी लग गई कि उसका क्रेडिट कौन लेगा। एंड गेस व्हाट, क्रेडिट कोई तीसरा ही ले गया। दरअसल 1952 में डॉक्टर कपानी और हॉपकिंस ने ये सब एक जॉइंट रिसर्च के तहत किया था, और साथ ही फाइबर ऑप्टिक्स ये टर्म दुनिया के सामने लाया था। लेकिन फिर प्रशंसा मिलते ही एक तरफ जहां पर हॉपकिंस को लगने लगा कि डॉक्टर कपानी का कंट्रीब्यूशन रिसर्च में बहुत ही कम था, थियरी तो सारी मेरी ही थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ डॉक्टर कपानी का ये कहना था कि हॉपकिंस की थियरी किसी और के पल्ले ही नहीं पड़ती अगर मैं उसे प्रैक्टिकली ऑप्टिकल फाइबर बना के ना दिखाता। और इसी झगड़ा झगड़ी में दोनों ने अपने अपने रास्ते मोड़ लिए, दोनों की ग्रोथ स्लो हो गई, और इसी के साथ तीसरा बंदा चार्ल्स क्वेन काओ नोबेल प्राइज ले गया। एक्चुअली में ना हुआ यू कि अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद साल 1955 में डॉक्टर कपानी ने US की रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम करना शुरू कर लिया, और इवेंचुअली वहां पर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी के नाम से कंपनी भी खोली। लेकिन इसी दौरान उनका चैलेंजर चार्ल्स क्वेन काओ लंदन यूनिवर्सिटी से PhD करते हुए अपना दाव चल रहा था। काओ ने पहले तो डॉक्टर कपानी के काम को डिटेल में पढ़ा, और फिर उसने डॉक्टर कपानी के 1952 में पब्लिश हुए पेपर के 13 साल बाद अपना खुद का रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इस पेपर में उसने बेसिकली ये बताया था कि ग्लास फाइबर की इंप्यूरिटीज लाइक आयरन, कॉपर, क्रोमेट और हाइड्रोनियम आयन लाइट को कुछ हद तक एब्जॉर्ब करते हैं।
अगर इन इम्प्योरिटीज को निकाला जाए तो डेटा को हजारों किलोमीटर्स तक फास्ट स्पीड से ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो लाइट की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर सकती थी वो अब रेडी थी मेरी बदौलत। और इनफैक्ट न्यू जर्सी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डेविड पेन और इमैनुअल डी सर्वायर ने प्रभावित होकर इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी बनाए, जो आगे जाकर वही सर्किट्स बनेंगे जिनसे आज हम हाई स्पीड इंटरनेट चलाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो काऊ का पूरा वर्क डॉक्टर कपानी के ही वर्क पर बेस्ड था। उसमें बस कुछ माइन्यूट से एडिशंस कर दिए गए थे और फिर भी रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने नोबेल प्राइज काऊ को दे दिया। एंड यू नो व्हाट्स वर्स, फाइबर ऑप्टिक्स की डिस्कवरी 3 सक्सेसफुल कंपनीज को चलाने और करीब 100 से भी ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश करने के बाद भी कोई भी आज के तारीख में इवन इंडियंस डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी को नहीं जानता। बट एनीवे फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है आप अच्छे से जान गए हो और आप प्राउड भी फील कर रहे हो कि एक भारतीय का भी इतना बड़ा योगदान है इस दुनिया में। खैर फ्रेंड्स, ये अकेले ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे जिनके मैसिव अकम्प्लिशमेंट्स अननोटिस्ड गए। ऐसे एक और एक इंडियन जीनियस भी थे जिनकी रिसर्च को नासा तक एडमायर करती है पर नोबेल प्राइज कमिटी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्रनाथ बोस जी की, जो कि इतने ब्रिलियंट थे और उनकी लाइफ इतने अकम्प्लिशमेंट से फिल्ड थी, जिस पर हमने एक वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो और उसे चेकआउट कर सकते हो। साथ ही अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले फन 88 को चेकआउट करना मत भूलना। प्ले गेम्स एंड अर्न एज वेल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।